वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो पार्क जा रहे हैं हम। ये आ गए, हम पार्क पहुंच गए हैं अब। तो पार्क की अपनी स्कूटी पार्क कर रहे हैं हम। मैं जाती हूँ पार्क में अंदर। ये कौन दिखा हमें? ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं जो भी पार्क से होके जा रहे हैं, और हमने एंट्री करी है पार्क में। हम थोड़ा लेट आए हैं, इसका रीज़न ये है कि मैं बताती हूँ आपको। अब हम पार्क में एंट्री कर रहे हैं। पहले ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने सोच रखा था पहले से ही, वही हुआ है। ये देखिए, पार्क में अब काफ़ी कम लोग हैं। यही हम सोच के लेट आए थे कि कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन भी है अभी, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा सा, अगर हम लेट जाएंगे तो पार्क थोड़ा खाली मिलेगा। और जो हम चाहते हैं, जो हमारा मोटिव है कि हमारी वॉक भी हो जाएगी, वो भी अच्छे से हो जाएगी, तो इस टाइम पार्क खाली सा पड़ा हुआ है। लेकिन इतना भी खाली नहीं है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे देखिए मुझे ये कुछ लोग वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। मैं दिखाती हूँ आपको, क्लियर नहीं हो रहा होगा। ये देखिए, अब मैं उनके पास में चली गई हूँ, तो हम भी वॉक करना शुरू कर देते हैं। पार्क में काफ़ी खाली खाली है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मैंने यहाँ नोटिस किया है कि पार्क में आने के बाद में, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। और फिर हमने भी मास्क हटा दिए हैं क्योंकि हमारे आसपास कोई है नहीं काफ़ी दूर तक। और मैं और मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे हैं, बच्चे नहीं आए हमारे साथ में, बच्चे सो रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको एक पेड़ दिखा रही हूँ। अभी 2 दिन पहले जो आंधी आई थी उसके कारण ये पेड़ टूट गए हैं। काफ़ी सारे पेड़ पौधे टूटे हैं यहाँ पर। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बात मैं अभी से इसलिए क्लियर कर पा रही हूँ क्योंकि कल मेरे हस्बैंड आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ काफ़ी पेड़ टूटे हुए हैं, तो मैं उन्हें ही देखने आई हूँ कि देखते हैं पार्क का नज़ारा क्या है आज के दिन का। ये देखिए, मैं आपको और दिखाती हूँ। ये सब खाली पड़ा हुआ है, झूले वगैरह जो हैं बच्चों के, बच्चे नहीं हैं वहाँ। ये देखिए, एक पेड़ और टूटा है। ये कितने अच्छे अच्छे इसमें फ्लावर आए हुए हैं। बहुत नुकसान हुआ है प्रकृति का, काफ़ी हरे भरे पेड़ थे जो टूट गए हैं। ये देखिए नेचर हमारा, ये पक्षी हैं, ये सब अद्भुत नज़ारे हमें पार्क में आकर ही नज़र आते हैं। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, ये पार्क का एक दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए काफ़ी सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ, बढ़ते हैं। देखिए लोग जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है पार्क में आके, मन आपका खुश हो जाता है इतनी हरियाली देख के। ये मैं बर्ड्स दिखाती हूँ आपको, एक मेरे को अभी नज़र आई है, मैं भी इनके पास जा रही हूँ कैमरा लेके। ये देखिए कितने पास से कैमरे को मैंने जूम कर दिया है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको घर के अंदर बैठ के नहीं मिलेगी। और वैसे भी मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में फ्लैट्स वगैरह इतने हैं और काफ़ी कंजस्टेड है, तो ये स्पैरोज़ और ये सब जो इतने सारे बर्ड्स हैं ये हमारे आसपास हमें नज़र नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें हमें पार्क में आकर ही नज़र आती हैं और मन एकदम खुश हो जाता है। चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छा लगता है, ये गिलहरी है, मन खुश हो गया देखकर। एक मैं आपको, मेरे को नज़र आ रहा है एक पेड़, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने सारे इसमें, ये क्या बोलते हैं, खजूर लगे हुए हैं। जो
जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत खजूर लगा हुआ है इसमें, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जो एक पीछे पेड़ दिखाया था मैंने, अभी तो खजूर के पेड़ पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देखिए कितने सारे खजूर लग रहे हैं इसमें। अभी एक पीछे पेड़ दिखाया था मैंने, ग्रीन ग्रीन सी लीव्स थी उसकी, काफ़ी घना था। उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई कि वो एक नींबू का पेड़ था, मैंने इसको जूम करके भी दिखाया है, इसमें छोटे छोटे नींबू लगे हुए थे काफ़ी सारे, तो उस पर ध्यान दीजिए आप, बहुत ही प्यारा है, प्यारा लग रहा था वो। ये पक्षियों के नज़ारे देखिए, इनको देखकर तो बस मन ही नहीं कर रहा आगे जाने का। और ये लीजिए, मेरा बेटा भी आ गया, जिसने कि कॉल करके हमें बोला था कि हमें पापा मुझे लेने आ जाओ, इसका भी मन था पार्क आने का। तो मेरे हस्बैंड दोबारा घर गए थे वापसी लौट के, आपने देखा होगा वो जा रहे थे, और मैंने पार्क में एंट्री करी थी, इसको लेकर आए हैं। अब ये भी हमारे साथ वॉक करेगा मेरा बेटा, ये देखिए अब भी फ़िलहाल यहाँ पर इंजॉय कर रहा है, देख रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है पार्क में आने के बाद में। पूरा दिन हमारा एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, और यहाँ पर आने के पर पार्क में आ जाओ आप एक बार सुबह, चाहे एक घंटा आप काट के जाओ, बहुत अच्छा से लगता है। हो तुम्हारा थ्रस्टिक रो क्या बोलते हैं इसको, तो क्या होता है ये, काम आता है, काम दवाई बनाने के, नहीं टूट रहा ना, लेकिन फसलों की दवाई बनती है। मोटर कौन सा, ये वाला है शायद, यही आ रहे नहीं, हाँ यही वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कोई क्रो मेरे हस्बैंड देखते हैं तो उनको वो चैप्टर याद आ जाता है जो फोर्थ फिफ्थ में होता था, थ्रस्टी क्रो, तो उसी को देखकर बोल रहे हैं थ्रस्टी क्रो मेरे बेटे को बुला के कि देखो बेटा थ्रस्टी क्रो। तो ये देखते हैं थ्रस्टी क्रो कितना सारा पानी है, और ये क्रो जो है इसमें शावर ले रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं ये, टेकिंग शावर, शावर है इनका, शावर ये नहा रहे हैं, पूल पूल, वाओ, चलो चलो हम लोग इधर से आ रहे हैं, चलो पानी में ना। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं ये प्ले, बच्चों का जो प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर काफ़ी सारे झूले भी लगे हुए हैं, और मैं अपने बेटे को यहाँ पर ये लटकने वाला है हैंगिंग वाला, इस पर हम एक्टिविटी कराते हैं, थोड़े से बच्चों के हाथ पैर भी खुलेंगे, ये देखिए। मेरा बेटा एक्टिविटी करके दिखाएगा आपको, जंप, अरे वाह, लेकिन नीचे आई इसके हिसाब से, वाह, हाँ। बच्चों को देखकर तो पापा भी एक्टिव हो गए, पापा ने भी करके दिखाया, पापा बता रहे हैं देखो बेटा ऐसे करो, अब मेरा बेटा वैसे ही कर रहा है। ऐसी खड़ा हो जा, ऐसी बाजू पर दम लगा के वहीं वहीं रुक जा, हाथ में ताकत आएगी, रुक जा। अरे मैं रोक, आज तो मेरा बेटा फुल एक्टिविटी दिखाएगा पार्क में।
ये देखिए इसके अंदर क्या क्या हुनर हैं, और भी उल्टा होके भी लटक लेता है ये देख सकते हैं घर में भी ये करता रहता है। इसके लिए हमने एक बना रखा है ऐसे ही, इसमें भी इसे उल्टा लटकता रहता है। कभी दिखाऊंगी मैं इसके घर में जो ये योगा वगैरह करता है, मैं उसकी वीडियो भी डालूंगी। काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी, हम हैरान हो जाते हैं इसको देख कर। फ्लैक्सीबल बॉडी है इसकी काफ़ी। ऊपर आओ, शाबाश। थक गए हो? थक गए? ये पार्क में एक और भाई साहब मिल रहे हैं, ये बच्चे को देखकर बोल रहे हैं कि इसको आप इस पे लटको, ऊंचाई ज़्यादा है इसकी। लेकिन मेरा बेटा हिम्मत नहीं हारेगा, बार बार कोशिश करता रहेगा ऐसे ही। ये देखिए पापा उसकी हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए इसने कर दिखाया। अब हम जिम की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर जिम बना रखा है पार्क में, उस पोर्शन में अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी। इन बच्चों ने देखो झूला बना लिया तुम्हारा सही है, इस छोटे से बच्चे को भी। अरे ये हाँ, मुझे लगा बच्चे हैं, इसको लेने आ रही थी इधर से फोटो। वाह मुझे लगा ही गोद में लेके अपने भाई को बैठी है पास से आके देखे तो गुड्डा आगे चलाएगा बेटा, ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है ये पति देव हमारे। तुम दूसरी नाव चला लो नाव बोट चला लो नाव है ये आइए हम चलते हैं आगे। ये देखिए ये GST है, जर्मन शेफर्ड। ये देखिए कितने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है, पानी भी पीता है कितने अच्छे तरीके से। देखो क्या बात है, गर्मी इतनी हो रही है कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, सभी लोग पानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। माहौल का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, पार्क में आए हैं, अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो जानवर भी कहाँ पीछे रहेंगे। ये भी खूब आनंद ले रहे हैं पूरे माहौल का, पानी को देखकर इससे भी रुका नहीं गया और ये खेलने लग गया। अब देखिए मैं हो गई शुरू एक्सरसाइज करने के लिए, मैं भी ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। तो मेरा बेटा बना रहा है मेरी वीडियो और मैं हो गई शुरू। क्यों नहीं लगेगी? अब कर ली है मैंने एक्सरसाइज और दिखाती हूँ मैं आपको एक और पेड़ गिरा हुआ। ये देखिए ये दोनों पूरे हफ्ते भर की एक्सरसाइज कर लेंगे, हफ्ते में एक बार आते हैं बस। तो बस अब हमारा हो गया है टाइम घर जाने का, अब हम घर की तरफ जाएंगे। चलो भाई हो गई पूरी एक्सरसाइज, चलो घर। देखिए अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, धूप बहुत है, स्कूटी हो गई है हमारी गर्म, इसमें हम डालेंगे पानी। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं, घर जाके नहाना धोना भी है हबीब हमें। तो ये मैं नहा ली हूँ, अब
पार्क से आकर नहाना तो बहुत ज़रूरी होता है, पता नहीं वह कितने लोग होते हैं। तो ओके बाय फ्रेंड्स।